are you all? Welcome to a life skill class. This is your life skill book. Today we'll be doing lesson number 7, The Tailor and the Merchant. The Tailor and the Merchant. Right? So this is a story which I'm going to tell you. So are you ready for the story? Yes! Let's move. So the story is The Tailor and the Merchant. There was a tailor and a merchant lived nearby. पास पास रहते थे एक टेलर और एक मर्चेंट. टेलर कौन होता है? जो कपड़े सिलता है. और मर्चेंट जो बिजनेस करता है, किसी भी चीज़ का व्यापार करता है. किसी भी चीज़ जैसे कपड़े बेचना या कोई जेवर बेचना या खाना, खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी. द टेलर वॉज सिंपल एंड मर्चेंट वॉज हाई फाई. मतलब टेलर बहुत ही एक सिंपल सीधा साधा इंसान था, पर मर्चेंट थोड़ा हाई फाई था. मतलब थोड़ा उसकी सोच अलग थी. वो ज़्यादा शो ऑफ में या दिखाने में अच्छा अच्छा सब उसमें बिलीव करता था, पर टेलर बहुत सीधा साधा आदमी था. ही यूज़ टू कॉल द टेलर्स वर्क टू स्मॉल. वो टेलर के काम को क्या कहता था? छोटा सा काम है, छोटा सा काम है. पुअर फेलो, पुअर फेलो. He would call across the wall. उसको मतलब ऐसे ही बोलता था कि इसका तो छोटा सा काम है, बेचारा. The merchant was going to a party one day. और एक दिन क्या हुआ? सब पार्टी में जाते हैं, merchant भी पार्टी में जाने, उसको भी जाना था. But his shirt got torn on the way. But क्या हुआ? रास्ते में उसकी शर्ट फट गई. क्या हो गई? फट गई. अब कपड़ा फटता है तो कौन सिलता है? टेलर सिलता है ना. He looked at his shirt. It had a tear. जब उसने देखा कि उसकी शर्ट फट गई और उसमें एक छेद है, फट गई है वो. Now he had no other shirt to wear. अब रास्ते में दूसरी शर्ट कहाँ से ले आए? अब कोई वो शर्ट लेके थोड़ी घूम रहा था. अब क्या करे वो? वो तो फंस गया. अब उसे पार्टी में भी जाना है और उसके पास कपड़े भी नहीं है और पार्टी में जाना ज़रूरी था, तो अब वो क्या करे? He went to the tailor's house, very small. वो टेलर के घर गया जो कि बहुत छोटा था. ही गैदर्ड करेज एंड गेव हिम अ कॉल. उसने हिम्मत जुटाई, क्योंकि वो हमेशा उसको इंसल्ट करता था, उसको छोटा समझता था. बट अब उसको लगा कि अरे मुझे तो उसकी ज़रूरत है, मुझे तो उसके पास जाना है. उसने हिम्मत जुटा के उसको बुलाया. द टेलर सॉ हिज शर्ट दैट वॉज टॉर्न. टेलर ने उसकी शर्ट देखी जो फटी हुई थी. ही स्टिच्ड इट अप. उसने उसको सिल दिया. इट वॉज रेडी टू बी वॉर्न. अब उसको सिल दिया तो पहनने के लिए तैयार थी. तो ही टोल्ड द टेलर नो वर्क इज़ एवर बिग और स्मॉल. तो जब मर्चेंट ने वो शर्ट पहनी तो उसने टेलर को बोला कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, ना ही कोई काम बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है. अगर कोई हम्बल पर्सन है तो वो यही बोलेगा. जैसे कोई कहेगा जी आपने तो मेरा बहुत काम कर दिया, थैंक यू सो मच, वो कहेगा नो इट्स माई जॉब, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब. हाँ उसका काम है, ये कोई स्पेशल काम नहीं किया उसने, है ना. वी शुड बी डाउन टू अर्थ. ऐसा नहीं हमें सोचना है कि हमने बहुत खास किया है. अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, बट ये नहीं कि हम किसी को कुछ समझे ही ना. जो मर्चेंट गलती कर रहा था, ही पैटेड हिज बैक एंड बिकेम फ्रेंड्स आफ्टर ऑल. और उसने उसकी पीठ थपथपाई मर्चेंट ने टेलर की, जैसे फोटो में दिखा रहे हैं कि दोनों गले लगे और हमेशा के लिए फ्रेंड्स बन गए. So what is the moral? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? The merchant met the tailor in bright sunshine, told him your work is as great as mine. तो जब next day वो लोग मिले, एक अच्छा सा दिन था, सुहाना सा sunshine निकली हुई थी, तो उसने बोला merchant ने कि तुम्हारा काम भी वैसा ही बड़ा है जैसा कि मेरा. It's the deed that matters and not the fame. मतलब depend करता है, काम बड़ा होता है, ये नहीं कि कितना बड़ा है, कितना मशहूर है, वो नहीं होता. काम, डीड इम्पॉर्टेंट है. इट्स द वर्क दैट मैटर्स नॉट इट्स नेम. उसके नाम मैटर नहीं करता, काम इम्पॉर्टेंट है. अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारा जूता फट गया, तो अगर हमें कॉबलर मिल जाते तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है. तो कॉबलर कोई छोटा नहीं हो गया है. कॉबलर ने जो काम किया वो हम नहीं कर सकते. तो डीड इम्पॉर्टेंट है ना, उसका काम इम्पॉर्टेंट है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसका काम बड़ा होता है, उसका काम ही है. तो किसी को उससे नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे हम तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे.
हमें इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमारे लिए तो सभी बराबर होने चाहिए ना, सब हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो यू गॉट द पॉइंट? तो यही सोच हमें रखनी है, ये मॉरल है स्टोरी का। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू, कीप रीडिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग सच थिंग्स एंड रीड मोर एंड मोर स्टोरी विच हैव दीज काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज। ओके, टेक केयर, बाय बाय।